हाँ तो बच्चों और थोड़ा सा आप डिफरेंशिएबिलिटी के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ डिस्कशन करते हैं, लाइक डिफरेंशिएबिलिटी बाय यूजिंग ग्राफ। डिफरेंशिएबिलिटी बाय यूजिंग ग्राफ, अब ये तो ऐसे कुछ तो खास है नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी बाय यूजिंग ग्राफ। अब यही बात है ये कि भाई एक तो हमने टॉपिक दे दिया बस आपके कॉपी सजावट के लिए, पर ऐसा होता है कि जैसे ग्राफ का नाम आता है हमें एक डर लग जाता है कि सर ग्राफ आ गया, ग्राफ हमें हर फंक्शन का ग्राफ आएगा बनाना, तो नहीं, इसको सिर्फ अप्लाई वही करें जिसका ग्राफ जानते हो, अप्लाई ओनली व्हेन ग्राफ नोन। ऐसा नहीं कि हर किसी के ग्राफ खींचने के पीछे पड़ के कि नहीं हम तो यहाँ रिसर्च करने बैठे हैं एग्जाम में और हर किसी का ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ खींचने के बाद ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे 3 घंटा हमें कई फंक्शन के ग्राफ खींचने बना लिया और मान लो बन गया फाइनली में, तो आपने बहुत खुशी को बोला यस हमने बना तो लिया, टाइम देखा पेपर ओवर, एक सवाल सिलेक्शन ही नहीं, आप आ कर सकते थे ज्यादा लेकिन सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई हमको छेड़ना उसको नहीं है जहां पे हमको दिक्कत है, छेड़ना सिर्फ वहीं पे हमें स्टिक रहना है जहां पे हम जानते हैं, जिसका ग्राफ जानते होंगे उसका ग्राफ हम फटाफट बना लेके कर सकते हैं पहली बार। दूसरी बात कि मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में इस मेथड से मत करना, तो फिर कहोगे सर पढ़ा क्यों रहे हो, फिर पढ़ा क्यों रहे हो, क्यों मना कर दो मत पढ़ाओ, क्यों पढ़ा रहे हो भाई, पढ़ा इसलिए रहे ताकि आपको फील आए कि हाँ हम ग्राफ से चीजों को देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है या है, स्टार्टिंग में पहले दिन याद करो मैंने ग्राफ कुछ बनाया था। तो वैसे ही उनमें से ही पहला मैं अगर ग्राफ की बात करूं, पहला ग्राफ की बात करूं कि y इक्वल टू, बड़ा ही नोन ग्राफ है, बड़ा ही फेमस ग्राफ है, देखो कंटिन्यूटी में पहले ही लेके चला था मैं, तो इसके ही याद करो कंटिन्यूटी के दिन मैंने कहा था जब किसी फंक्शन में ग्राफ बनाना कठिन बिल्कुल नहीं होता है, ग्राफ बनाना कठिन बिल्कुल नहीं होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देखो ये ऐसा रहा होगा, कैसे सोचते कैसे है कि इंसान सोचता कैसे है कि सर ये रहा होगा, हम जानते हैं y बराबर fx होता है तो रहा होगा sin x, पर यहाँ पे मॉड है तो सर ये पुट हुआ होगा मॉड x, और f ऑफ मॉड x का मतलब जहां जहां x है वहां वहां पुट हो गया, ये बात बन गया, और यहाँ पे मॉड आ गया है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर f के अंदर मॉड होता है तो तुरंत अपना दिमाग स्विच किए फंक्शन के चैप्टर में और फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और वहां पे ये बात आई थी कि अगर फंक्शन के इनसाइड मॉड हो जाए, आउटसाइड मॉड हो अलग मेथड, इनसाइड मॉड हो तो राइट साइड का ग्राफ बनाते हैं और वही ग्राफ मिरर इमेज ले लेते हैं लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस के अबाउट, तो बताओ क्या इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, राइट साइड का ग्राफ ऐसे बनेगा, और क्या इसका मिरर इमेज अगर हम लेंगे तो बोलो ऊपर का मिरर इमेज वैसे बिल्कुल ऐसे ऊपर ही आएगा क्या, फिर ऐसे जाएगा क्या, देखो तो बच्चों देखो बोलो कहां पे कॉर्नर क्रिएट हो गया, क्या यहाँ x इक्वल टू जीरो पे कॉर्नर क्रिएट हो गया क्या, बाकी हर जगह स्मूथ है, आगे पीछे स्मूथ है क्या, प्रॉब्लम कहां पे हो गई इसको x इक्वल टू जीरो पे, हमने कहा भी था कि मॉड जो है वो अंदर वाला जहां जीरो होगा वहीं पे इसको प्रॉब्लम होती भी है, देखो ये भी कहां पे आया, नॉट क्लियरली ग्राफ से दिखा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, जैसा कि पिछला सवाल था, बाकी रेस्ट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी रेस्ट डिफरेंशिएबल, बाकी जगह पे डिफरेंशिएबल है, बाकी जगह पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा दूसरा सेकेंड पॉइंट कौन सा ग्राफ लेंगे, मान लो कि हमने अभी जस्ट पिछला वाला लिया x मॉड x, अब इसका कह रहा है कि आपको बता रहा है कि कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है कहां पे डिफरेंशिएबल है, तो फिर से परेशान नहीं होंगे, क्या करेंगे कि भाई इसको फटाफट हम कहेंगे कि जब x आपका पॉजिटिव होगा तो ये x स्क्वायर, जब x निगेटिव होगा तो माइनस x स्क्वायर, पीछे मैं निकाल के दिखा चुका हूं जस्ट पिछले सवाल में, तो ये आपका यहां पे ये हो गया आपका, फिर हम इसका ग्राफ बनाए, ये है x एक्सिस ये है y एक्सिस, अब बोलो x जब इधर साइड में बनाना होगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो y स्क्वायर x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, बोलो बनता है कि नहीं बच्चों, ऐसे बनता है, पीछे वाला मैं इसलिए डॉटेड रखा हूं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर सिर्फ x राइट साइड में बनाना है x ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जब किसी भी फंक्शन के अंदर जैसे f ऑफ x का ग्राफ बनाया हो बाहर में माइनस लग जाए तो उसका मिरर इमेज हो जाता है
एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो नेगेटिव, जो नेगेटिव हुई थी वो पॉजिटिव। तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा नीचे के साइड में नेगेटिव तरफ के सच की तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे आया और ऐसे हो गया, ये ग्राफ ऐसे आया और ऐसे हो गया, देखो ऐसे ये वाला का मिरर इमेज बन गया। और यहाँ पे देखो कोई कॉर्नर क्रिएट नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये भैया हो गया डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो आपको किसका रहा, मॉड एक्स का। मान लो सवाल ये देने के बजाय ये दे देता है, सवाल इसके बजाय ये लिख देता है, देखो मान लो ये दोनों तो आसान सा हो गए, तीसरा भी मैं बेहद ही आसान सा लेता हूँ या थोड़ा सा कठिन लेता हूँ। देखो मैं मान लिया कि आपका सवाल दे दिया y इक्वल टू मॉड में log बेस e मॉड x, ये अब थोड़ा सा गंदा हुआ, थोड़ा सा कठिन हो गया कि सर जी ये वाला एक मॉड तो अपने आप में बवाल है, आप एक और अंदर में मॉड लगा दिए, तो कुछ नहीं सोचेंगे कैसे। देखो हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स रहा होगा, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई रहा होगा एक्स, फिर क्या किया गया होगा एफ के अंदर पहले मॉड डाला गया होगा एफ एक्स, जैसे ही हमने पहले मॉड एफ एक्स डाला तो ये हो गया होगा आपका मॉड एफ एक्स हो गया होगा। फिर जो ये ग्राफ बना होगा इसका पूरा का पूरा बाहर में मॉड एफ एक्स ले लिया गया होगा, ऐसे पूरा का पूरा बाहर में मॉड ले लिया गया होगा। बाहर में मॉड लेने का मतलब ये पूरा में ऐसे बाहर में मॉड ले लिया गया होगा। तो क्या ये पूरा दो स्टेप हुआ है क्या, पहला स्टेप यहां हुआ है दूसरा स्टेप यहां हुआ है, बोलो स्टेप सेकंड ये है स्टेप फर्स्ट ये है। तो क्या पहला स्टेप में क्या पहले सबसे पहले किसका ग्राफ लॉग बेस ई एक्स का ग्राफ, फिर क्या किया गया अंदर में मॉड डाला गया, अंदर में मॉड डाला गया मतलब जैसा ग्राफ राइट साइड में बना है वैसा ही लेफ्ट साइड में बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस के जैसा उधर बना है वाई एक्सिस के वैसा ही वाई एक्सिस के इधर बनेगा। फिर बाहर में मॉड लग गया दूसरा स्टेप में, तो जो नीचे था उसका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। जब बाहर में मॉड लगता है तो मैं बताया था कि डिलीट द ग्राफ ऑफ बिलो पार्ट एंड या रिमूव द ग्राफ ऑफ बिलो पार्ट एंड मेक मिरर इमेज ऑफ दिस डिलेटेड या रिमूव्ड ग्राफ बाय अबाउट एक्स एक्सिस, लिखाया था मैं फंक्शन में क्लियरली। तो ये इसका ग्राफ आपने नीचे से हटाया फिर इसको ऊपर लगाया, तो अब इसके बाद से हम इसका देखो ग्राफ बनाने चल रहे हैं कि कैसे, और फिर चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम कहां पे है, इसको भाई प्रॉब्लम कहां पे है तब हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहले ये आया दुनिया में वाई एक्सिस, फिर आया दुनिया में सबसे पहले x एक्सिस आया होगा या y एक्सिस में से कोई एक आया होगा, फिर आपका x एक्सिस आया। अब यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि हमको log बेस ई एक्स का ग्राफ बनाओ, तो हमने कहा चलो log बेस ई एक्स का ग्राफ ऐसे बन गया, यह हो गया log बेस ई एक्स का, ऐसे ऊपर है बढ़ रहा है, ये वाली जगह हो गई आपका 1,0, ठीक है। फिर उसने कहा अब मैं अलग इस बार तीन अलग अलग चाक का यूज करूंगा, फिर उसने कहा कि भाई अंदर में मॉड लगा है, अंदर में मॉड लगा है मतलब जो राइट साइड का ग्राफ है वही ग्राफ लेफ्ट साइड बनाना है, क्या राइट साइड में कोई ग्राफ लेफ्ट इस ग्राफ का कोई राइट लेफ्ट साइड पार्ट है ही नहीं, तो जो राइट है उसी का मिरर इमेज बनाएंगे। देखो अभी हमने मिरर इमेज बना दिया इसका, ये हो गया देखो ये हो गया, अब ये 1,0 के बजाय ये -1,0 हो गया, -1,0 हो गया। अच्छा अब देखो आपका जब ये ग्राफ बनता है तो राइट और लेफ्ट दोनों ही अभी रुका हुआ है, अभी इन दोनों को हमने भगाया नहीं है। अब तीसरी बार कह रहा है कि मतलब देखो अभी मैं इस पे कलर कर देता हूं कि भाई ये अभी ये जो ग्राफ है जो इस कलर से बन गया है, जो इस कलर से बन गया है इस वाले कलर से, वो ग्राफ बना है लॉग बेस ई मॉड एक्स का, और जो सिर्फ व्हाइट कलर से दिख रहा है वो बस है लॉग बेस ई एक्स का। अब मैं तीसरा कलर लेने जा रहा हूं, पिंक वाला कलर लेने जा रहा हूं। अब पिंक वाले कलर से अगर हम कहें तो अब इसके ऊपर हमको मॉड लगाया है बाहर में, अब बाहर में मॉड लगाने का मतलब कि जो नीचे है वो ऊपर में चला जाएगा, तो नीचे में ये है माइनस एक्स तो माइनस वाई एक्सिस तो ऊपर में आएगा 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 ऐसे आके यहाँ पे टिक जाएगा। देखो यहां से स्टार्ट होगा तो ऐसे जाएगा ये, फिर ऐसे ही ये भी ऐसे जाएगा ऐसे 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 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आए बच्चों, तो जो इस पेन से जो इस तरह के कलर से ग्राफ बन रहा है ना, ये वाला ग्राफ आपका जो बना है ये ग्राफ है आपका, तो जो ये ग्राफ है तो ये ग्राफ है लॉग बेस ई मॉड एक्स का पूरे का मॉड।
आई बात समझ में? तो अब जरा देखो, मैं सब हटा दूंगा कि फाइनली जो ग्राफ बचा है वो सिर्फ इतना ही है, फाइनली जो ग्राफ बचा है वो सिर्फ इतना ही है, जो फाइनली ग्राफ बचा है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ का ये आपका ये हो गया यहां पे ये, तो इस ग्राफ को जरा आप देख के बताओ, ये जो फाइनली ग्राफ बना है ये इसी चीज का है, इसको देख के आप बोलो क्या ये ग्राफ कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो तो कहां पे कॉर्नर आया है, क्या एक कॉर्नर यहां पे है और एक कॉर्नर यहां पे है, क्या क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू वन। बोलो बात समझ में आई? तो ये ग्राफ बना के ही भी सीख सकते हैं और इस पे सवाल कंटिन्यू करेंगे ग्राफ बना के, जरा सा और अब ग्राफ बनाएंगे, जरा अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पे।